जी वाह, माशाल्लाह, मजा आ गया जी नाश्ते का। बहुत मजे कर लिए आपने, इतना काफी है यार सोचो जरा, इंसान तारीफ भी नहीं कर सकता यार। समाज कितना जालिम हो गया है। समाज तो एक अरसे से जालिम है अब्बा, बस आपने रियलाइज नहीं किया। थैंक यू, आपने तारीफ की। हाँ हाँ चढ़ाओ तुम बाप को, पहले क्या ये कम बोलते हैं? ये बात आपने गलत कही है। देखिए बोलने में तो आपका कोई सानी ही नहीं है, इस घर में तो क्या, इस पूरे मुल्क में कोई नहीं, पूरी दुनिया में कोई नहीं। अब इस बात की तो मैं तायद करता हूँ। ओ थैंक यू अगेन यार, तुम इस बार क्या हो गया आपको, घर से नाश्ता करें? बस बहुत नाश्ता करवा दिया तुमने मुझे, अब तुम लोग खुद करो। अम्मी मजाक हो रहा है, अब अपने घर में हंसेंगे बोलेंगे नहीं तो कहाँ बोलेंगे? टेंशन न लो, हमारे जाने के बाद ये सब कुछ खा जाएंगी, हमारे सामने नहीं खा रही है। तुम जल्दी करो, तुम्हारा इंटरव्यू है आज भाई। बस तो सिर्फ 1.5 घंटा रह गया, मैं चलूं चेंज वेंज करूंगा। अरे इतनी जल्दी भी नहीं है, और आराम से चाय पी लो फिर चले जाना। हाँ रुको चाय तो पी लो। चलो पी लेते हैं। अब आज आपकी गाड़ी लेकर जाऊंगा मैं। हाँ हाँ श्योर, मेरा ऑफिस तो तुम्हारे रास्ते में ही है, मुझे ड्रॉप कर देना और ले जाना। बस बीबी जी, ये महीना मुकम्मल होगा तो मेरा भरोसा मत कीजिएगा। सीनत बीबी, आपको जो बात करनी है आप मुझसे करें ना, अम्मी को क्या इस तरह धमकियां दे रही हैं? देखे अमरीन बिटिया, हमने भी अपने बच्चों को पालना होता है, वैसे और घर भी हैं, लेकिन यहाँ सारा दिन आपकी अम्मी को संभालना होता है और तनख्वाह का कोई पता ही नहीं। देखिए हर महीना मैं आपको टाइम पे तनख्वाह दे देती हूँ, अगर इस महीना ऐसा हो गया तो जीनत बीबी क्या हो गया, आप समझें थोड़ी बात को। इस बार का भी दूसरा महीना चल रहा है। बस इस बार का आप आखिरी महीना ही समझिए, मैं करती हूँ ना आपके लिए कुछ। इतने टाइम से आप हमारे घर में काम कर रही हैं, अम्मी का भी दिल आपके साथ लगा हुआ है, मैं बस इसीलिए आपको कहीं जाने नहीं देती हूँ, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो, अल्लाह बख्शे, सेठ साहब के बहुत एहसान आता है मुझ गरीब पर, वरना मैं कब की जा चुकी होती। ये कह रही हैं, जब से अब्बू का इंतकाल हुआ है हम तो अर्श से फर्श पर आ गए, पहले फैक्ट्री गई अब घर के ये हालात। आप तो जानती हैं ना हमारे पास सिर्फ ये घर ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, आपसे कुछ ढका छुपा थोड़ी है। अच्छा सब ठीक हो जाएगा, तुम जाओ देर हो रही है। रुको मेरी बात सुनो, ये रख लो, मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, किराए के काम आएंगे। तुमको सब कुछ कैसे पता चल जाता है? माँ को सब पता होता है बेटा। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। जी ठीक।